ललितपुर सिंगरौली रेल मार्ग में फंसी जमीन के पीड़ितों ने कमिश्नर को सौंपा ज्ञापन। ललितपुर सिंगरौली रेलवे लाइन के लिए किसानों की जमीनों का अधिग्रहण किया गया था, लेकिन किसानों की जमीन तो ले ली गई, पर उनके परिवार को न तो रोजगार मिला और न ही सभी को नौकरी मिली, जिसके चलते अब किसानों के पास कोई रास्ता नहीं बचा है। अपनी मांगों को लेकर भारी संख्या में किसान रीवा कमिश्नर कार्यालय का घेराव करने पहुंचे। हालांकि बहुत सारे किसानों के वाहनों को सीमाओं पर ही रोक दिया गया। सैकड़ों की संख्या में पहुंचे किसानों ने बताया कि पन्ना से लेकर सिंगरौली तक जिन किसानों की जमीन अधिग्रहित की गई थी, उन्हें नौकरी भी नहीं मिली, जिसके चलते अब किसानों के पास आत्महत्या करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा है। अगर उनकी मांगे पूरी नहीं की जाती तो वो कमिश्नर और सांसद के बंगलों का घेराव करेंगे। आइए दिखाते हैं आंदोलनकारियों को और सुनाते हैं उन्होंने क्या कहा। ज्ञापन किसानों की जो भूमि है रीवा ललितपुर रेल परियोजना के अंतर्गत, ललितपुर सिंगरौली सॉरी, तो उसमें हजारों किसानों की भूमि अधिग्रहित कर ली गई और यह कहा गया था लिखित में भी कि भूमि के बदले सबको नौकरी प्लस मुआवजा दिया जाएगा। मुआवजा भी दे दिया गया, कुछ लोगों की नियुक्ति भी दे दी गई। बीच में हम लोगों ने जब इनकी ऐसे ही आनाकानी करने लगे तो हम लोगों ने एक बड़ा आंदोलन किया, समस्त दोहरीकरण वालों ने भी, और यानी कहना चाहिए तो पन्ना से लेके सीधी तक के सभी किसान काम बंद करा दिए। तब उस समय ये नियुक्ति देना चालू कर दिए, इसके बाद ये फिर से नियुक्ति बंद कर दिए कोरोना का बहाना लगाकर, और अब ये नौमत आ गई कि इस समय फिर बंद कर दिए और अब गुंडागर्दी के साथ बोलते हैं कि नहीं देंगे नौकरी, जो करना होगा कर लो, बंद करा देंगे, जेल भेज देंगे, सीधे ये कह रहे हैं। तो ये प्रशासन बोल रहे हैं, SDM तहसीलदार ये सब बोल रहे हैं, और अभी आज हम लोग आए भी थे, 200 ट्रैक्टर ट्रालियाँ हमारी वहाँ रोक दी गई हैं बाहर ही, बोले अंदर नहीं ले जा सकते, हम जब्त कर लेंगे ट्रैक्टर, ये है वो है सब बता के, और आए दिन धमकी दी जा रही है किसानों को, और गरीब किसान है वो, गरीब किसान क्या करे। अब किसान के पास यही है कि आत्मदाह कर लेगा कोई, किसान कह ही रहे थे, एक वीडियो है मेरे पास, किसान कह रहा था कि मैं आत्मदाह कर लूँगा, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? अगर वह किसान आत्मदाह कर लेगा तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? प्रशासन होगा, कौन होगा? अगर नहीं मानी जाती तो हम लोगों का जो ये संगठन है, आज लगभग एक है भैया भी आए हुए हैं, तो पूरे किसान आपके कहना चाहिए तो पन्ना से लेकर सीधी तक के एकजुट होकर या तो यहाँ धरना देंगे या तो सांसद जी के।